You're affecting your parents, and to see the way my old man's been. 2018 का सैंडपेपर गेट स्कैंडल अभी भी क्रिकेट फैंस के दिमाग में ताजा है। बॉल टैम्परिंग क्रिकेट में स्ट्रिक्टली इलीगल है, लेकिन कई प्लेयर्स और टीम्स बॉल के साथ टैम्पर करते हुए दोषी पाए गए हैं। इस वीडियो में हम 5 ऐसे इनफेमस कांड के बारे में बात करेंगे, क्रिकेट के इतिहास के वर्स्ट बॉल टैम्परिंग इंसिडेंट्स। नंबर 5, माइक एथरटन, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका 1994 में लॉर्ड्स में हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान माइक एथरटन को बॉल पर डर्ट लगाते हुए पाया गया। उन्होंने अपने पॉकेट से कुछ निकालकर उसे बॉल पर अप्लाई किया था। पूछे जाने पर एथरटन ने कहा कि वो अपने हाथों को ड्राई रखने के लिए पॉकेट में डर्ट रखा करते हैं। मैच रेफरी को ये फैक्ट नहीं डिस्क्लोज करने के लिए उन्हें £2,000 की सजा मिली। नंबर 4, सचिन तेंदुलकर, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया 2001। जी हाँ, आपने सही सुना, 2001 के साउथ अफ्रीकन टूर में मैच रेफरी माइक डेनिस ने सचिन तेंदुलकर को अलेज्ड बॉल टैम्परिंग के लिए एक मैच के लिए सस्पेंड किया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेकंड टेस्ट में टेलीविजन फुटेज पर वो दोषी पाए गए थे। तेंदुलकर वाज शोन रिमूविंग अ पीस ऑफ ग्रास फ्रॉम द बॉल। अल्टीमेटली आईसीसी ने यह डिसाइड किया कि सचिन अंपायर की परमिशन के बिना बॉल को साफ कर रहे थे और वो एग्जैक्टली बॉल टैम्परिंग नहीं थी, इसलिए उनके बैन को ओवरटर्न किया गया। नंबर 3, शाहिद अफरीदी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान 2010। 2010 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल ओडीआई में टेलीविजन कैमरास ने शाहिद अफरीदी को बॉल पर बाइट करते हुए पकड़ा। टीवी अंपायर्स ने ऑन फील्ड अंपायर्स तक ये कम्युनिकेट किया और इस कारण बॉल भी बदला गया। अफरीदी को 2 T20 मैच के लिए बैन किया गया और उन्होंने बाद में ये एडमिट भी किया कि उन्होंने बॉल टैम्परिंग करने की कोशिश की थी और वो खुद से नाखुश थे। नंबर 2, फाफ डु प्लेसी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2016। होबार्ट में हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीकन स्किपर डु प्लेसी को बॉल टैम्पर करते हुए पाया गया। टीवी कैमरास के रिप्ले में वो मिंट चू करते हुए पकड़े गए। इसी मिंट के सलाइवा से डु प्लेसी ने बॉल को शाइन करने की कोशिश की। आईसीसी ने डु प्लेसी पर चार्ज लेवल किया और उन्हें पनिशमेंट में अपनी मैच फी देनी पड़ी। नंबर 1, स्टीव स्मिथ, डेव वॉर्नर एंड कैमरन बैनक्रॉफ्ट, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2018। मार्च 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर बॉल टैम्परिंग की एलिगेशन लगी। वीडियोस में पाया गया कि उन्होंने येलो सैंड पेपर से बॉल को रब करने की कोशिश की थी। बाद में ये पता चला कि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव स्मिथ और वाइस कैप्टन डेविड वॉर्नर भी इस प्लान में शामिल थे और उन्होंने ही ये प्लान ओरिजिनली बनाया था। वार्नर और स्मिथ को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया और कैमरन बैनक्रॉफ्ट को 9 महीने के लिए सस्पेंशन मिली। इस सैंडपेपर स्कैंडल को इंटरनेशनल कवरेज भी मिली, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को बदनामी का सामना करना पड़ा।